हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 10 सरफेस एरिया वॉल्यूम के एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। इसका आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, यानी आपके पास एक कोन है जो हेमिस्फीयर के ऊपर है, विथ बोथ देयर रेडाई बींग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों ही फिगर की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो क्वेश्चन सबसे पहले क्लियर होना चाहिए डियर। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या कह रहा है आपको, वो आपको कह रहा है कि आपके पास एक हेमिस्फेयर है। ठीक है, उस हेमिस्फेयर के ऊपर आपके पास क्या है, कोन बना हुआ है, राइट। अब आपके पास इसकी डायमेंशंस होनी चाहिए बहुत क्लियरली। तो अब डियर हम इसकी डायमेंशंस लिखते हैं। तो हेमिस्फेयर की हमें जो है सिर्फ रेडियस चाहिए होती है, और जो कोन है उसकी रेडियस और हाइट दोनों चीजें चाहिए होती है। तो हेमिस्फेयर की रेडियस 1 सेंटीमीटर है और कोन की रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है, ऐसा उसने आपको पहले ही बताया था। और फिर उसने आपको कहा कि जो कोन की हाइट है दैट इज इक्वल टू रेडियस, तो दैट इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप इसकी डायमेंशंस मेंशन जरूर करेंगे कि आपके पास कोन को लेकर क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो कोन की रेडियस 1 सेंटीमीटर है और कोन की जो हाइट है दैट इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं हेमिस्फेयर की। तो हेमिस्फेयर का मेन तो सिर्फ रेडियस ही होता है, तो रेडियस हमारे पास आ गया 1 सेंटीमीटर, राइट। अब हमसे पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉलिड जो आपके सामने दिख रहा है। तो अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम सरफेस एरिया के मुकाबले ज्यादा आसान होता है। तो वॉल्यूम क्या होगा, इन दोनों का वॉल्यूम प्लस कर दीजिए, दैट मींस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। प्लीज आप पूरा लिखेंगे, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं ताकि आपका टाइम कम जाए समझाते वक्त। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर दैट मींस दिस वन, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों को प्लस कर देंगे तो आपके पास पूरे सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। नाउ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3 πr³, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 πr² h। और क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है इसलिए हमने दोनों में सेम सिंबॉलिक फॉर्म यूज करी है, राइट। अब जस्ट हमें कैलकुलेशन करना है, तो आप कॉमन ले लेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए डियर, एक तो 1/3 कॉमन है, एक पाई कॉमन है, एक आर स्क्वायर कॉमन है। तो यहाँ पर क्या रह गया, एक तो 2 रह गया, पाई भी बाहर चला गया, आर क्यूब में से आर स्क्वायर चला गया, आर रह गया, 1/3 पाई चला गया, आर स्क्वायर चला गया, क्या रह गया आपके पास, एच। अब आपने क्या करना है डियर, इसकी वैल्यू रखनी है। और हमसे क्वेश्चन में पहले ही बोला गया है कि आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई छोड़ सकते हैं, तो आप पाई की वैल्यू मत पुट करिए। तो पाई बाय थ्री एज इट इज 1, अगर हम आर की जगह रखें तो ये हो गया 1 स्क्वायर। नाउ आर की जगह 1 पुट करें दैट इज 2, और एच भी आपके पास 1 है, तो ये 3 आ गया। ये वाला 3 इस 3 से कट जाएगा और आपके पास जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब, राइट, इजी वन। तो आपके पास सबसे पहले प्रेजेंटेबल इस तरीके से डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, फिर उसकी डायमेंशन मेंशन करिए। फर्स्ट स्टेप आपका डायग्राम, सेकेंड स्टेप उसकी डायमेंशन क्लियर होनी चाहिए, और थर्ड स्टेप आपके पास फॉर्मूला। और जहां कॉमन ले सकते हैं वहां कॉमन जरूर लीजिए, क्योंकि कॉमन लेने से आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। लाइक अगर आप इसका वॉल्यूम अलग निकालते, इसका वॉल्यूम अलग निकालते और दोनों को प्लस करते, थोड़ा सा आपके लिए काम ज्यादा हो जाता, और अगर हमने कॉमन ले लिया तो थोड़ा सा आसान हो गया, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। रिशेल अ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड एट इट एंड्स बाय यूजिंग थिन शीट। तो रिशेल को एक मॉडल बनाने को कहा गया है जिसमें उसको ये कहा गया है कि आपने एक सिलेंडर लेना है, उसके दोनों तरफ कोन अटैच करना है, राइट। डायामीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, यानी मॉडल में जहां भी रेडियस की जरूरत है वो 3/2 हो जाएगी, क्योंकि आपको डायामीटर दे रखी है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3/2। लेंथ ऑफ द होल मॉडल इज 12 सेंटीमीटर, ईच कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल। तो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम इसका जो है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करें, क्योंकि उससे हमें ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो हमारे पास सबसे पहले डियर सिलेंडर लेते हैं, और सिलेंडर के दोनों एंड्स पर आपके पास उसने जैसा बता रखा है कि हमारे पास कोन है, तो हम दोनों एंड्स पर कोन ले लेते हैं, राइट। अब हमें दे रखा था डायामीटर ऑफ द मॉडल, तो इसका मतलब रेडियस जो है पूरे मॉडल में, चाहे कोन की या आपके पास सिलेंडर की बात करी जाए, उसकी रेडियस कितनी हो गई, 3/2 सेंटीमीटर हो गई, राइट। फिर आपको ये भी बताया गया कि हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, यानी ये आपके पास 2 सेंटीमीटर है, यहां पर भी आपके पास जो हाइट है वो कितनी हो गई आपके पास 2 सेंटीमीटर।
अब अगर मुझे आपके पास सिर्फ सिलेंडर की हाइट पता करनी है, तो आपको उसने पूरे मॉडल की हाइट दी थी 12 सेंटीमीटर, राइट, 12 सेंटीमीटर। तो आप एक बात बताइए, 2 सेंटीमीटर यहां से कट गया, 2 सेंटीमीटर यहां से कट गया, तो आपके पास जो सिलेंडर की हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं पूरे मॉडल की जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर हो गई। तो फर्स्ट स्टेप, डायग्राम में अपनी चीजें जो है आपको चाहिए होती हैं, एंड देन सेकेंडली अपनी डायमेंशंस मेंशन कर लीजिए कि जो कोन है, कोन की रेडियस कितनी है हमारे पास, 3/2 सेंटीमीटर, और कोन की जो हाइट है वो हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, राइट, दोनों कोन का सेम डायमेंशन है। देन आपके पास दूसरा सॉलिड है यहाँ पर सिलेंडर, सिलेंडर की जो रेडियस है वो सेम है 3/2 सेंटीमीटर, लेकिन हाइट डिफरेंट है इसलिए हम सिंबल भी डिफरेंट ले रहे हैं, 8 सेंटीमीटर, राइट। अगर सेम हो तो सेम सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हो, इसकी हाइट छोटी थी इसलिए स्मॉल एच, इसकी हाइट बड़ी है तो कैपिटल एच, कुछ भी सिंबॉलिक फॉर्म यूज कर सकते हैं, राइट। अब हमसे कहा गया इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकालिए। नाउ वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉडल, जैसा क्वेश्चन में बोला गया वही वर्ड्स का इस्तेमाल करूं, वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉडल अगर हमें निकालना है तो एक तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा इसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट, एंड प्लीज पूरा लिखेंगे आप लोग, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और इन दोनों कोन का वॉल्यूम, तो ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी दोनों कोन का वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है डियर, इट्स पाई आर स्क्वायर एच, जो कि इसकी डायमेंशंस हैं 2। कोन का वॉल्यूम होता है हमारे पास 1/3 पाई आर, और इसकी हाइट अलग है तो इसलिए हमने अलग ले लिया। तो मेन तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसके बाद तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। तो दोनों के वॉल्यूम, जो जो फिगर नजर आ रही थी उसके हमने वॉल्यूम प्लस कर दिए, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन यानी ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट। अब आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, वो बेस्ट पार्ट है, तो पाई कॉमन आ रहा है आपके पास, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लिया हमने। अब यहां पर क्या बच गया आपके पास, स्मॉल एच, और यहां पर क्या बच गया आपके पास, 2/3 कैपिटल एच। अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो पाई की वैल्यू जब तक आपको मेंशन ना हो 22/7, रेडियस दोनों में सेम थी 3/2 का होल स्क्वायर, तो हमने यहाँ 3/2 का होल स्क्वायर पुट कर दिया। स्मॉल हाइट है आपके पास 2, कैपिटल हाइट है 8, तो यहां पर अगर हम पुट करेंगे दैट इज बिकम 16/3, राइट। इट्स 22/7 इंटू 9/4 इंटू, सॉरी डियर एक गलती हो गई हमारे पास, ये जो आपके पास सिलेंडर है उसकी कैपिटल हाइट है, राइट, कैपिटल एच है, और ये आपके पास स्मॉल एच है, राइट। तो आपके पास यहाँ आएगा कैपिटल एच, और यहाँ क्या आएगा आपके पास, स्मॉल एच आएगा, और कैपिटल एच यानी सिलेंडर की हाइट कितनी है हमारे पास, 8, और ये जो स्मॉल एच है ये हमारे पास 2, तो ये आपका हो जाएगा 4/3, राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 28/3, राइट। चलिए अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये आपका 4 से कैंसिल आउट हो गया, ये 4 इससे कैंसिल आउट हो गया, 3 इससे कैंसिल आउट हो गया आपके पास। नाउ योर आंसर इज 66 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉडल, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब जो गुलाब जामुन है उसमें जो आप लेते हैं खाने के लिए यूज होता ही है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें जो सिरप है उसकी क्वांटिटी भी होती है, तो वो यही बता रहा है कि जो उसका बाकी कंटेंट है, बाकी इंग्रेडिएंट है, उसमें 30% जो है वो सिरप है, राइट। फाइंड अप्रोक्सीमेट सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो आपके पास एक गुलाब जामुन में 30% आपको बता रहा है, तो 45 में भी कितना होगा, 30% ही होगा, परसेंटेज में तो चेंज नहीं आएगा। ईच शेप्ड लाइक सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसका शेप बना लेते हैं कि किस तरीके का आपको गुलाब जामुन बोल रहा है। तो आपको बोल रहा है कि सिलेंड्रिकल शेप है, राइट, और दोनों तरफ जो है वो हेमिस्फेयर जो है वो आपके पास एडेड है। दिस इज द शेप ऑफ जो गुलाब जामुन जिसके बारे में वो बात कर रहा है। तो चलिए अब इसकी डायमेंशंस निकालते हैं। तो आपके पास यहाँ पर क्या दे रखा है, ईच शेप लाइक सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड विद लेंथ, मतलब जो टोटल लेंथ है इस गुलाब जामुन की वो आपको दे दी गई है 5 सेंटीमीटर यहां से लेकर यहां तक पूरी। डायामीटर दी है तो रेडियस कितनी हो जाएगी डियर, 2.8/2, दिस इज बेसिकली 1.4 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि हेमिस्फेयर में तो चाहिए ही हमें रेडियस चाहिए होती है,
और सिलेंडर की भी आपके पास सेम रेडियस है, क्योंकि क्वेश्चन में यही दे रखा है कि गुलाब जामुन का डायमीटर इतना है। तो आपके पास जो सिलेंडर पोर्शन है, अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना हो गया आपके पास 1.4 सेंटीमीटर। अब बारी आती है सिलेंडर की हाइट भी हमें चाहिए। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक जो टोटल लेंथ है इस पूरे गुलाब जामुन की वह 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है सिलेंडर की हाइट जो कि सिर्फ इतनी है यहां से लेकर यहां तक। तो डियर देखिए ये सेंटर है और ये एंड पॉइंट है, ये हेमिस्फेयर की रेडियस हुई ना यहां से लेकर यहां तक। अगर हम ए बी पॉइंट की बात करें, लेट इट बी दिस इज ए बी पॉइंट, तो ये आपके पास रेडियस हुई, सेम यहां पर भी रेडियस हुई। तो हमें पता है कि जो हेमिस्फेयर उसका रेडियस कितना है 1.4। तो अगर हमें हाइट निकालना है सिलेंडर का तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 5 माइनस 1.4 यहां से आपके पास और 1.4 सेंटीमीटर यहां से कट कर दीजिए, तो ये आपके पास 2.2 सेंटीमीटर जो है हाइट ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा। और अगर हम हेमिस्फेयर की बात करें तो हेमिस्फेयर का जो है वो रेडियस हमें चाहिए होता है, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर, राइट। तो आपके पास ये फिगर है और यहां पर हेमिस्फेयर की रेडियस हमें क्लियर थी और सिलेंडर की रेडियस भी 1.4 थी। हाइट बस आपने ध्यान रखना है कि यहां से लेकर यहां तक जो टोटल लेंथ थी गुलाब जामुन की वो है 5, ये आपके पास सेंटर है, सेंटर से लेकर एंड पॉइंट तक रेडियस होता है, तो ये भी आपके पास 1.4 है, ये भी 1.4। तो टोटल 5 में से आपने ये वाला 1.4 एलिमिनेट कर दिया यानी हटा दिया और ये, तो ऑटोमेटिकली आपके पास सिलेंडर की हाइट आ जाएगी, दैट इज 2.2 सेंटीमीटर। अब बारी आती है कि हमें एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन इक्वल टू, आपको क्या फिगर्स नजर आ रही हैं, दो हेमिस्फेयर नजर आ रहे हैं, तो 2 into वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस एक सिलेंडर नजर आ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी आपके पास आ जाएगा यहां पर। अब दोनों के फॉर्मूले पुट कर देते हैं, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है डियर, इट्स 2/3 पाई आर क्यूब, और क्योंकि इसकी रेडियस भी सेम है वी कैन यूज सेम रेडियस। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या आ सकता है, पाई आ सकता है और आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या रह जाएगा यहाँ पर 4/3 स्मॉल आर, और यहाँ पर क्या रह गया आपके पास एच। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस सेम है 1.4 का होल स्क्वायर, 4/3 रेडियस यानी 4/3 इंटू 1.4 और हाइट हमारे पास है 2.2। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या आंसर आएगा इसका, राइट। तो इट्स 22/7, 14/10 हमने डेसिमल हटा दिया इसका, दैट इज ऑल्सो 14/10, राइट। यहां पर भी अगर हम इसको लिख दें 14/10 और इसको हम लिख दें 22/10 और उसके बाद हम इसे सॉल्व कर लें तो ज्यादा आसान हो जाएगा, राइट। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी कैंसिल आउट कर दिया, 2 आ गया आपके पास, बाकी इसमें तो कुछ कट नहीं हो रहा। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ डेसिमल लगाना बहुत आसान हो जाता है नीचे जब 100 आ जाता है डियर आपके पास, राइट। तो 22 × 2 × 14 कर लेते हैं हम लोग, तो डियर ये आ रहा है हमारे पास 616/100। सिमिलरली 14 × 4 भी कर लेते हैं और ये आ गया हमारे पास 56/30 प्लस 22/10, राइट। अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन अब हमारा और रह गया है, तो आप यहां पर 616/100 आप काटिए मत, क्योंकि काटने से और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगा। यहां पर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया आपके पास 30, दिस इज 56 प्लस इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 3 से, ये आपके पास हो गया 66। नाउ इट्स 616/100 इनटू में 122/30, राइट। अब देखिए डियर, अभी इसको ना डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, अभी आप ऐसे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका ये फाइनल आंसर नहीं है, ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। तो अगर आपको जो है वॉल्यूम निकालना है 45 गुलाब जामुन का, ये एक गुलाब जामुन हो गया, तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 616/100 इंटू 122/30 इंटू 45, राइट। और ये आपके पास टोटल 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया, कितना है। अब आपको बता रखा था एक गुलाब जामुन में सिरप जो है, सिरप का जो वॉल्यूम है वो 30% होता है, ठीक है। तो 45 गुलाब जामुन में कितना होगा, 616/100 इंटू 122/30
इंटू 45 इंटू 30%। डायरेक्टली आप ये कर लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि तो फाइनली तो हमें यही आंसर निकालना है ना। देखिए थोड़ा सा आसान हो गया, आपके पास 30 से 30 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप चाहें डियर तो बेस्ट यही है कि आप इन तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके फिर आप 10,000 के लिए जीरोस लगा देंगे रादर देन इसे काटने के। तो मल्टीप्लाई कर लें अगर आपको डिवीजन नहीं पसंद, बाकी आप जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डियर ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा बड़ा डिजिट आ रहा है 338, लेकिन स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई करना फिर भी आसान लगता है। ये आपके पास आ रहा है डियर, तो अगर आप 10 से 10 काट देते हैं और फिर तीन के बाद डेसिमल लगाते हैं तो देखिए 1, 2, 3, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 338.184, जिसको आप अगर अप्रोक्सीमेटली लिखें तो 338 जो है सेंटीमीटर क्यूब आपके पास जो है सिरप का वॉल्यूम आ गया 45 गुलाब जामुन। तो चलिए डियर अब हम इसका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, राइट। अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। The dimensions are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of depression is 0.5 centimeter and depth is 1.4 centimeter. Find the volume of the stand. तो अगर आप डायग्राम देखेंगे डियर, आपके पास डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है कि आपके पास मान लीजिए एक लकड़ी का जो है आप क्यूबॉइड शेप में बॉक्स लेकर आए, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस पूरी जितनी भी इसके अंदर लकड़ी थी, जितना भी वुड था, उसका डायमेंशन आपको गिवन है। अगर हम क्यूबॉइड के डायमेंशन की बात करें, जितनी आपके पास ओरिजिनल वुड का आपके पास बॉक्स आया था, स्टैंड आया था, तो अगर हम उसके डायमेंशन की बात करें तो लेंथ थी 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ था आपके पास 10 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। फिर आपने क्या करा, जो ये क्यूबिकल बॉक्स है आपके पास, क्यूबॉडिकल बॉक्स है, इसमें से आपने कोनिकल कैविटीज जो है वो कट कर ली, राइट। जैसे पेन स्टैंड बनाने के लिए आपको कोन शेप तो क्रिएट करनी ही पड़ेगी ना, तो इतना इतना आपने ऐसा करके इसमें से 4 जो हैं वो कोनिकल शेप की जो कैविटीज हैं वो आपने इसमें से कट कर दी, राइट। आपके पास पेन स्टैंड बना हुआ है, अब वो आपसे ये कह रहा है कि जो ये मैंने 4 कोन्स निकाले हैं इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन वो आपको दे रहा है। 4 कोन्स टोटल निकाले हैं उसने ऐसे, तो उसकी रेडियस भी आपको दी है 0.5 सेंटीमीटर, तो यहां पर हम डाल देते हैं 0.5 सेंटीमीटर और हाइट भी आपको मेंशन करी है 1.4 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि स्टैंड का वॉल्यूम क्या है, यानी इनडायरेक्टली आपसे यही पूछ रहा है कि स्टैंड में अब कितनी लकड़ी रह गई है, कितनी वुड रह गई है। तो जितनी भी वुड उस ओरिजिनल क्यूबॉइड में थी, जब आपने ये कॉनिकल कैविटीज उसमें से निकाल ली, तो ये पूरा पोर्शन जो है वो निकल गया यहां से, रिमेनिंग वाली जो वुड है वही अब स्टैंड में रह गई होगी। तो आपको ये बताना है वॉल्यूम ऑफ स्टैंड क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ स्टैंड क्या हो जाएगा डियर, जितना उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम था, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ दैट कोन, मतलब जितनी कोन के लिए वुड जरूरत थी वो आपने निकाल दी होगी। तो जितना भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम था उसमें से 4 कोन्स का वॉल्यूम, 4 कोन के बराबर जो वुड थी वो आपने बाहर निकाल दी। नाउ क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है डियर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस कोन का वॉल्यूम क्या होता है आपके पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, राइट। चलिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आपको दे रखी है 15 × 10 × 3.5 है, तो हम इसे 35/10 लिख सकते हैं डियर, बिल्कुल डेसिमल हटा के। दिस इज 4/3, पाई को हमने लिख दिया 22/7। नाउ रेडियस इज 0.5, अगर आप चाहें तो इसको 5/10 लिख सकते हैं, तो आर स्क्वायर है तो 5/10 × 5/10। सिमिलरली हम हाइट को भी जब हम सारी कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम हाइट को भी 14/10 लिख सकते हैं, डेसिमल हटा के इट्स 14/10, राइट। ये आपके पास आ गया, ये भी आपके पास कैंसिल आउट हो गया, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10। अब आप देखिए ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा का पूरा, ये भी कट गया आपके पास। नाउ ये आपके पास 7 × 2 = 14, ये 10 से आपके पास 10 कट गया। 15 को 35 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 525। अब आपके पास न्यूमरेटर में है 44 और डिनोमिनेटर है 30। डियर एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, यहाँ पर एलसीएम बिल्कुल मत लीजिएगा। देखिए आपने डिवाइड तो करना ही है, अब आपको ये तो कंफर्म हो ही गया कि आंसर 525 तो करीब करीब है ही, बस उसमें से कुछ माइनस करना है, तो ये छोटा डिवीजन कर लीजिए ना, ज्यादा बेटर है ना, डिवाइड तो आपको करना ही करना है। तो अगर हम यहाँ पर इसका डिवीजन करते हैं तो ये कितना आ जाता है आपके पास, 44 / 30, ये आपके पास 1.466 आ रहा है, तो वी कैन राइट 1.47। और अगर हम इसे 525 में से माइनस कर देते हैं तो हमें जो आंसर चाहिए वो हमारा आ गया
523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था आपके पास वॉल्यूम जो अब रिमेनिंग क्यूबॉइड में रह गया है। आई होप डियर आपको ये वीडियो जरूर हेल्पफुल रहे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिए, हमें सपोर्ट करिए, शेयर कर कमेंट कर लाइक कर जो लोग भी सपोर्ट करते हैं उनका दिल से धन्यवाद, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से हम लोग लगातार ये वीडियोज अपलोड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विवा क्लासेस।